एक तरफ मैसिवली रेस्पेक्टेड एमसी इन हिप हॉप केंड्रिक लमार और दूसरे तरफ है वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन हिप हॉप विथ वर्ल्ड वाइड फेम ब्रेक है और अभी ये दोनों के बीच Full to war. A long standing feud between rap artist Drake and Kendrick Lamar is once again heating up after the release of diss tracks back to back. And we really mean back to back to back to back. Police confirming a shooting occurred outside the home of Canadian rapper Drake in Toronto. This happening overnight in the wake of an escalating beef between Drake and hip hop star Kendrick Lamar. <laughs> <laughs> जब बिग शॉन के गाने कंट्रोल के वर्स में Kendrick ने जे कोल को दिए थे बट इट मॉज नॉट हार्ड आई मीन कम ऑन इट्स हिप हॉप और ये काफी जनर है म्यूजिक का एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन रहता है बट जब यूफोरिया ड्रॉप हुआ था कैंड्रिक का तो सबको लगा था बस मैटर खत्म हो गया है पर फोर्थ मई को आई के टाइम के हिसाब से सुबह एक गाना ड्रॉप होता है ड्रेक के साइड से

X -X 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 का एक वीडियो वायरल हो रहा है तो क्या हालचाल है भाई लोग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे Drake Lamar के बीच ये जो Ghost Rider का क्या सीन है? और क्या सही में किसी ड्रेक के गोस्ट राइटर ने केंड्रिक लमार को यह खबर करी थी कि ड्रेक उनको डिस करने वाले हैं सो प्रिपेयर रहना वैसे यह पहली बार नहीं है जब ड्रेक पे यह इल्जाम लगा हो कि उनके पास गोस्ट राइटर है कुछ सालों पहले जब ड्रेक का एल्बम टेक केयर ड्रॉप हुआ था तब भी ये चर्चाएं हुई थी और वो भी 2011 में एंड किसी और ने नहीं बल्कि ऐसा सीन था कि द वीकेंड ने गाने लिखे थे ड्रेक के बट जैसे डीएचएस में क्रेडिट्स के लिए लड़ाइया होती है वैसा कुछ उधर नहीं हुआ तो क्या होता है ये गोस्ट राइटर? And Drake का क्या कॉन्ट्रोवर्सी रहा है इसको लेके चलिए जानते हैं और केंड्रिक जो बोलते हैं कि ड्रेक के पास 20 गोस्ट राइटर है तो क्या वो सही है समझेंगे वेद अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दू मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है एंड ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलिए इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड अगर तुम हिप हॉप कल्चर से बिलोंग करते हो और अपने आप को रैपर क्लेम करते हो तो तुम्हारे वर्स एंड सॉन्ग तुम्हें खुद लिखने पड़ेंगे टू पाक आइस क्यूब डॉग, बिगी जेजी नास डीएमएक्स एमिनम ये सब वो रियल टैलेंट वाले के के राइटर्स है। और इन कलम को चैलेंज करना मीन्स लिरिकली अपनी मौत को दावत देना जैसा है मीन्स ये अपना रैप खुद लिखते थे और ये एक मैंडेटरी चीज था बोल सकते हैं हिप हॉप में एक टाइम तक अंटिल हिप हॉप इंट्रोड्यूस टू दर्म गोस्ट राइटर गोस्त राइटर क्या है सिंपली बोले तो किसी आर्टिस्ट के लिए गाना लिखना बिना अपना नाम रिवील किए लेकिन इस चीज के पैसे बराबर मिलेंगे बट क्रेडिट्स में कभी भी मेंशन नहीं होंगे मतलब तुम गोस्त हो जाओगे मतलब दुनिया के अकॉर्डिंग वो गाना उसी आर्टिस्ट ने लिखा है जिसने ये गाया है फॉर एग्जाम्पल समझ लो हनी सिंह के लिए लील गोलू ने एक टाइम पे गाने लिखे थे बट जो मैथ ऑडियंस है उनको यही लगता है कि गाना जो है वो हनी सिंह ने लिखा है बट अभी तो डीएचएस में क्रेडिट्स का सीन काफी सॉर्टेड चल रहा है वेल well, ये जो रैपर्स रखने के आरोप लगते है, उनकी रेस्पेक्ट कम हो जाती है हिप हॉप में और इधर ड्रेक पे एक दो नहीं बल्कि बीस बीस गोस्ट राइटर रखने का आरोप लगा है और ये बोला भी कोई सिस्टर या सोलजा बॉय ने नहीं बल्कि के डॉट ने स्पीड किया है ये चीज मतलब कुछ तो बात होगी तो क्या है ये ड्रेक के राइडर वाला सीन एंड क्या वीकेंड ने सही में गाने है ड्रेक के लिए? चलिए जानते हैं तो ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये टर्म और अच्छे से समझ आ सके वेल बैक टू द टॉपिक इससे पहले हम ड्रेक द वीकेंड वाले मैटर पे आए ये जानते हैं कि सबसे पहले किसने एक्सपोज किया था ड्रेक को घोस्टराइटर रखने के लिए मोस्टली सबको लगा वो पुछाटी थे बट नहीं बात है 2015 की जब ड्रेक के फ्रेंड एंड होमी मेक मिल ने ये ट्वीट किया था कि ड्रेक को मुझसे कंपेयर मत करो वो अपने रैप खुद नहीं लिखता है और ये मेक मिल ने इसलिए किया था क्योंकि ड्रेक ने मेक मिल का एल्बम शेयर नहीं किया था जिसमें ड्रेक भी फीचरिंग में थे एक गाने में और मीक ने ट्विटर पे ये दावा किया कि उनको सब क्लियरली पता है ड्रेक के गोस्ट राइटर के बारे में दोनों के बीच काफी टाइम तक इस बात को लेके बीफ चालू था देन फिर शॉर्ट हो गई चीजें इवन दोनों का 2018 दो में एक मैसिव क्लैब भी आया था गोइंग बैड बट मीक मिल के साइड से डैमेज ऑलरेडी हो चुका था ड्रेक को काफी ज्यादा पर चीजें अभी सिर्फ जो हिप हॉप ऑडियंस है उनके ही बीच था बाकी जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है उनके नजर में अभी भी ड्रेक एक बेहतरीन आर्टिस्ट है इनफैक्ट वो है भी ऐसी बात नहीं है लेकिन 2015 के बाद रोलिंग स्टोन को वीकेंड ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि 2011 में जो ड्रेक की एल्बम आई थी टेक केयर उसके लिए वीकेंड ने अपने प्लान एल्बम में से आधे गाने दे दिए थे और उस टाइम पे वीकेंड अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में ही थे और इवन ड्रेक वीकेंड को अपने लेबल ओबीओ रिकॉर्ड्स में साइन भी करना चाहते थे एक तो वीकेंड ने ये स्टेटमेंट दे दिया था रोलिंग स्टोन को एंड अभी फिर वीकेंड ने ऑल टू माई गाने में ये साइन होने वाली बात को लेके ड्रेक को शॉर्ट्स भी दिए थे तो बस इससे फिर ड्रेक के लिरिकल क्रेडिबिलिटी पे भी बात आ गई अब ड्रेक के पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफी मैसिव होते हैं सपोज करो अभी ड्रेक एक एल्बम प्लान कर रहे हैं तो लेबल पूरा एक टीम लेके आती है ड्रेक के पास जिसमें लिरिसिस्ट वोकलिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स सब रहते हैं और सब मिलजुल के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बोले तो सबके एफर्ट्स रहते हैं उसमें इवन ड्रेक के भी बट हाँ नाम सिर्फ ड्रेक का ही रहता है उसमें अपफ्रंट बाकी कितने लोग उसके पीछे है वो जानने के लिए डीप रिसर्च करना पड़ता है ऑडियंस को जो कि यूजुअली ऑडियंस करती नहीं है मतलब उनको लगता है कि भाई ये ड्रेक का ही एल्बम है या आर्टिस्ट का ही एल्बम ये पर आप पहले जैसा नहीं है सब लोग को अपना अपना क्रेडिट्स मिल जाता है कहीं ना कहीं ये गो राइटर वाले मैटर में ड्रेक के साथ क्वेंसी मिलर का भी नाम जोड़ा जाता है कि ड्रेक उनको क्रेडिट्स नहीं देते हैं करके बट मिलर ने ये चीजों को क्लियर करा है कि ड्रेक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है उनको बस ये है कि कुछ पेमेंट इश्यूज हुए थे पर ड्रेक के साथ कह सकते हैं सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस में कोलैब किया है मिलर ने बट ऐसे गोस्ट राइटिंग नहीं किया है उन्होंने उनका ये कहना है सो so यही ड्रेक के कैंप में जो भी ऐसे आर्टिस्ट और लिरिस्ट है उनको ही पॉइंट आउट करके Kendick ने अपने डिश में यह कहा था कि ड्रेक के पास बीस कोर्स राइटर क्या ड्रेक को गाना लिखना नहीं आता है नहीं भाई लोग ऐसा कोई सीन नहीं है ड्रेक भी एक अच्छे आर्टिस्ट है। बस उन्होंने रैप से ज्यादा पॉप को चूज किया और इसी वजह से शायद वो ज्यादा फेमस हुए वर्ल्ड वाइड ड्रेक का पेन गेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर ये नहीं होता तो शायद वो इस लेवल पे आते भी नहीं एंड इवन ड्रेक ने भी कई आर्टिस्टों के लिए गाने लिखे हैं लाइक डॉक्टर ड्रे एंड इवन कैनियवी फॉक्स भी इवन बिग नेम्सिंग के लिए ड्रेग like ने माइंग और अलिशा की सुपरहिट गाने लिखे है so की ड्रेक लिख नहीं पाते बाकी फिर एक साइड हम के डेते हैं तो वो डेफिनेटली एक वन मैन आर्मी है एंड वी कैन कॉल कैंड्रिक द रियल एमसी इन हिप हॉप एस ऑफ नाउन क्योंकि बहुत कम एम सी से बचे है अब हिप हॉप में

हालांकि ये एक्स का वीडियो बहुत पुराना है और इस बीफ के कॉन्टेक्ट से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है बट अभी ये वीडियो के बाहर आते ही केंद्रिक लमार को ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है मीन्स हम सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड एक्स के कितने ज्यादा डाई हार्ड फैंस हैं। अब वो सब केंद्रिक के सपोर्ट में ही है वेल ये डिस्क का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड एस ए

तो ताकि मैं फटाफट पसीना यूं-यूं पहुँच सकता हूँ वैन चलाएंगे तो बहुत आवाज़ आएगी और अपने भाई लोग फिर तकिया बनाना आता तुझे तो बनाता क्यों नहीं